तो जी सभी को नमस्ते भाई लोग और बहन लोग, आज की जुबानी दीपक की जवानी जवानी भैया। और भाई अनिरुद्ध क्या हुआ, क्या तुम वैसे देख रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? आपने लगा दिया काम पे, आप कैमरे के पीछे तो सऊ हो, इसलिए तुम्हें हमें पता है ना क्या हो। ओ ये गलत कह रहा हूं मैं, एक्सप्लोर कर रहा हूं मुझे। आप सीधी ऐसी हो, 8वें अजूबे हो आप। अच्छा और क्या, इसको बनाने वाला कुछ अलग ही है। चाय पी रहे हो? तुमने नहीं पीनी? अरे कैसा इतना क्वेश्चन है यार, पूछो चाय पियोगे कि खाओगे? अच्छा ये दादा, चाय गीली होती है ना, तुमसे क्वेश्चन पूछा था। चाय लिक्विड होती है भाई। हाँ लिक्विड होती है ना। हाँ? लिक्विड होता क्या है, व्हाट इज लिक्विड, डेफिनेशन दे दो। जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है ना, ज़्यादा होता है। किसका? विद कंपेयर टू सॉलिड वन। अच्छा और गैस से कम। हाँ, है ना? हाँ। ये तो स्टेट बताइए ना तुमने, डिफाइन लिक्विड। कोई चीज गीली कैसे होती है ये बताओ। एक होता है ना एडजस्टिव फोर्स समथिंग टाइप का होता है। मैंने तुम्हें इसका आंसर दिया था एक बार बहुत पहले। हाँ यार याद नहीं आ रहा, मैं किसी को दूंगा। चलो भाई ये इतना लेट से चाय डाल रहा है, तो में जो देख रहे हैं लोग जरा सीनियरी देख लो भाई, इधर उधर का कैसे होती है देख लो, ये घोड़े को देख लो और एक गधा को देख लो सर हो गए रेडी है जी? हो गए सर नहीं नहीं नमस्ते जी, क्या हाल चाल है सबके? अरे इतना गंदा नाटक कर रहा है। अच्छा यार तो वैसे ना कुछ 3-4 कमेंट्स वगैरह थे, तो मैंने सोचा उसी को एड्रेस कर लेते हैं अपन कि क्या रहा कैसे रहा, क्योंकि क्वेश्चंस भी इस टाइम पे आ रहे होंगे बतेरे। करेक्ट है, दो चीज़ें हैं तेरे पे चूज़ करने के लिए, PYQs और मॉक टेस्ट, किसे चूज़ करेगा? एक यार एक ही चीज़ चूज ही एक करनी है। हम दोनों करेंगे, पता ना दोनों का मतलब क्या है भाई, एक ही है देर पे चूज करना। ज्यादा मत PYQs, PYQs को देगा। करेक्ट है, क्यों यार यू किसी उस पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा था, तो अगर देख क्या था स्टूडेंट वाले अपने पैटर्न से पूछते हैं, मानते हैं कि वो किसी को बना के पूछते हैं, ट्राई करते हैं, बट जो जेन्युइन क्वेश्चन आस्क किया गया तो उससे क्या था आपको हिंट मिल जाता है कि ऐसे भी बन सकता है कुछ। ठीक, अगली चीज भाई, ये क्वेश्चन मैं बार 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 इससे भी पूछता हूँ, मेरे पे मेरा आंसर रेडी है जो कि मैं यहाँ नहीं बोलने वाला हूँ, और तेरे से भी पूछ रहा हूँ तो क्लियर कट आंसर दियो। आप सबसे भी है यार, प्लीज़ इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम मोटिवेशन 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 ढूंढते हैं ना, कहीं की मोटिवेशन नहीं चाहिए। एक पेपर आपको मोटिवेशन देगा, वो क्या है, वो हमारे अभय सर ने हमें बताया था, अभय सर थे ना पॉलिटी, उन्होंने कहा था फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास कि जो भी आप UPSC मतलब करना चाहते हो क्लियर, रीज़न लिख लो उस पर क्यों। उन्होंने कहा था लास्ट क्लास में पूछूंगा, पर वो बीच में उनको छोड़ना पड़ गया था तो चले गए थे, और भाई ने अभी तक नहीं लिखा है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। पर तो हाँ यहाँ छपा हुआ है अंदर, बजरंग बली की तरह सीना चीर दें वो नहीं बताऊंगा मैं, वो मेरा कुछ पर्सनल है, चलो मैं शेयर भी कर लूँगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, पर तेरा कुछ है पर्सनल कि क्यों? अगर आप लोगों ने सोचा हुआ है तो कमेंट में बताना कि क्यों, एंड नहीं तो भाई सोचो फिर सोचो तेरा क्या है। हम लिखे ही नहीं है तो क्या पता। मैं तेरे को अपना पर्सनल बताऊँ, बेसिक तो बेसिक बताता हूँ, मेन पॉइंट नहीं बताऊंगा, वो मैंने अपना इंटरव्यू के लिए सोचा हुआ है, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सेवा के लिए सब कोई बोलता है सेवा करें यार, ये तो जेनरिक है, जेनरिक नहीं। देखो मानो या ना मानो, आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस जॉब है ये। इंटरव्यू में अपना ऊपर नीचे चेंज करोगी ऑब्वियसली, पर मैं वैसे उदाहरण। तीसरा, अगर अब लोग कहते हैं ना जनसेवा जनसेवा, तो भाई मेरा बैकग्राउंड भी जनसेवा करा है, मेरी दादी ने भी अपना उत्तराखंड के लिए लड़ाई करी, मेरे पापा स्कूल्स के लिए फाइट करते हैं फॉर सोशल वर्क, मैंने अपना बचपन से NSS भी करा है, मैंने रोटरैक्ट भी करा है, उससे पहले ही मैं अपने डैड के साथ हेल्प वेल्प करा है NGO वगैरह का, तो मतलब मैं रहा हूँ पर्सनली, मेरे को पसंद है ये चीज़। ठीक है, ऊपर जब जो वो चीज़ जो आपको पैसा भी दे रही हो, जो आपको पसंद है, तो दिक्कत क्या है भाई। प्लस ना यार मैं हूँ थोड़ा, मेरे को बड़ा ख़राब क्या लगता है, सपोज़ कहीं पर रोड बन गई ना और साइड में छोटा छोटा साले छोड़ देते हैं ना, मेरे को खुंदक आती है इन चीज़ों से। मैं कहता हूँ आपने इतना काम कर लिया तो इसको कंप्लीट सही तरीके से करो ना। हाँ तो ये चीज़ आप बहुत लोगों की लाइफ में ना फ़र्क पा देती है, इसलिए मैं तो पर्सनली मैं इस चीज़ की वजह से UPSC में जाना चाहता हूँ। एक चीज़ चेंज करनी है, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका, जो चीज़ कर रहे हो ना उसको सही तरीके से करना मेरा पहला काम रहेगा, एक ना कि नवी चीज़ों को लेके आना। जो मैं अपना पर्सनल बताऊँ कि कोई कह रहा हो कि रोड बनानी है, साले टेढ़ी मेढ़ी बना देते हैं, पहला काम यही है भाई, वही सही करो। अभी यार ED CBI कितना चल रहा है सारा का सारा, है ना, अब मैं कह रहा हूँ तुम अपना काम सही से करो, बस पहला काम तो यही है, बाद का देखना ही नहीं।
जैसे ये हॉर्न मारते जा रहा मेरा मूड ऑफ हो गया है। ये तो छोड़ दे दिल्ली, अगर यूपी बिहार वैसा होगा ना यार, तेरे को पता है दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड? पता था? तू बता रहा, पता ही नहीं। तो ये है देखो, ये दूसरा क्वेश्चन जो कईयों ने पूछा कि यार कोचिंग के लिए दिल्ली इज नेसेसरी कि घर से कर ले, तेरे को क्या लग रहा है? यार अब उस पे डिपेंड करता बंदे पे, वो कहाँ पर कंफर्ट, उसको कहाँ मिल रहा पढ़ाई, कहाँ अच्छा हो रहा। वो तो कहते हैं कि कुछ बनना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो, मानते हैं, बस पढ़ाई में कंफर्ट चाहिए। ये बात तो है, मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख मेरा ही कंडीशन देख रहे, हम अगर खाना बनाए तो मेरा दो तीन घंटे, दो घंटा जाए तो तेरे को तो मना किया ना भाई, मत बना यार। ठीक है तो कहीं तो बाहर खा कर यार, क्या बोलते हैं, इसी चक्कर में ना दिल्ली का ये इश्यूज हैं जो लोगों को, यार लोगों को लगता है बहुत बढ़िया है, लोग हैं अभी ऐसा यहाँ पर। दिल्ली का एयर पोल्यूशन, दिल्ली का खाना, दिल्ली का पानी, ये तीन, सारी दिल्ली नहीं ऑब्वियसली पर वैसे बता रहा हूँ, ये चीज़ें भाई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाती हैं। प्लस घर वालों से अब दूर हो थोड़ा, इमोशनल स्टेट, खाना खराब नहीं बोल सकते ये एरिया का जो है ना, मतलब यार डेली खाने की बात कर रहा हूँ, हमारे लिए तो वही खाना है। क्या ऐसा अच्छा तूने क्या खाया? वो तो कुछ और था, वो मोमोज थोड़ी थे, पर वो बहुत अच्छे हैं। हमने ये चीजें भी है तो एक दो दिन के लिए अच्छा है। और तेरे को क्या लगता है यहाँ पे जो कोचिंग का, यार मैंने एक चीज पता है क्या देखी भाई, जो मैंने अभी तक की गलतियां करी, और वैसे तो हो जाना चाहिए, देखो इस बार आई एम वेरी पॉजिटिव की होगा, पर अगर नहीं हुआ तो मेरी एक ही गलती की वजह से नहीं होगा। पता है क्या, मैंने स्टार्टिंग में ना कोचिंग मटेरियल्स, मैगजीन्स और एक्स्ट्रा चीज़ें उठा ली, और कुछ बेसिक बुक्स से ज़्यादा प्रेफरेंस होने दे दी। ये चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई, मैंने भले ही उठाई फिर बेसिक बुक्स, पर कहाँ जहाँ मैं दो तीन बार और एक्स्ट्रा रिवाइज कर सकता था ना, वहाँ पर मैंने वो चीज़ की कमी कर दी। तेरे को तूने बुके कौन सी उठाई पहले बता, मॉडर्न की कौन सी उठाई है? मॉडर्न का स्पेक्ट्रम तू ले रखा है। मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी नहीं तो दे दियो यार, मेरे पास क्या था ना देख, क्लास के नोट्स थे प्लस मैंने येलो बुक पढ़ी है मैंने इसमें, और बिपिन चंद्रा पहले भी पढ़े थे तो वो हर का याद, बाकी तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न टेंशन नहीं लेना, मॉडर्न हो जाए मेरा, बाकी मुझे मेडिवल का टेंशन है। मिडिवल के दो तीन, अब दो से तीन क्वेश्चन भी पूछ ले रहे हैं, पढ़ा रहे पैटर्न यार उसका, पर उसके तीन चार मेन टॉपिक्स कर ले ना, मुगल कर ले, अपना विजयनगर वगैरह कर ले, ये हल्के फुल्के कर लियो, मुगल से पहले ही कर ले, वो तो हो, मतलब सारे नहीं कर सकते तो कुछ तो करें, आर्ट एंड कल्चर भी बढ़ा रहे हैं। आग लगा दिया मेरा सीना के अंदर, आग है स्पेस का क्वेश्चन पूछा था भाई साहब ने, इनसे क्वेश्चन पूछे सारी की सारी, अगले दिन स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ के आ गया खुंदक में। यही बोलते, यही जलन होना चाहिए कंपटीशन में। अबे जलन नहीं कहते होते यार, तू अपने भाई से जलेगा? नहीं जलन, तू जलता है मेरे से? नहीं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा वो वर्ड को। अरे कहना क्या चाहते हो? बट ये जो कॉम्पिटिटिवनेस, हाँ वो बोल सकते हो, बोल सकते हो क्या? ठीक है। अरे बड़ा तेज है, मेरे को पता है, कह रहा भाई अगर तेरा हो गया ना क्लियर तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैंने कहा खुशी में? कह रहा नहीं। मैंने कहा फिर? कहता अगर मेरा नहीं हुआ ना फिर मेरे को बहुत जलन मचेगी कि तेरा कैसे हो गया, तेरा कैसे हो गया। नहीं साथ में रहे, खाए पिए बैठे। अबे तो इसका ये मजा थोड़ी है, कहीं मेरे में लैक हुआ वो हम पहचाने, वीकनेस कहाँ था मेरा? हाँ तो तुम मतलब मेरे लिए जलेगा अगर मेरा हो गया तो क्या करेगा? मैं खुश होऊंगा, चलो देखते, मैं तेरे से टिप्स ले लूंगा भाई, अगर कोई चीज़ मेरे से कमी रहेगी हो तूने एक्स्ट्रा, जैसे छुपके छुपके क्या करते हैं कुछ टेलीग्राम पे कुछ आ गया ना, बताएगा नहीं मेरे को, वो तो मेरे पे इसके टेलीग्राम का एक्सेस है तो मैं देख लेता हूँ कई बार। यार मैं प्राइवेसी तो छोड़ा कहाँ भाई। हाँ बाकी यार जितने यहाँ से दूर है ना उनके लिए मैं रामबाण एक तरीका बताता हूँ, दिल्ली से नहीं करनी अगर टेलीग्राम, टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाएगा जो यहाँ पे होता है स्ट्रिक्ट 1-2, 1-2। हाँ मतलब ये नहीं कि 50 ग्रुपों में घुस जाओ, पर यहाँ पे जो चीज चाहिए ना वो आपको टेलीग्राम मिल जाएगी। टेलीग्राम यूपीएससी वाले को ही बनाया गया था। का यूपीएससी का मटेरियल फ्री ले लो है। तो भाई वो चीज उठा लो, बहुत फायदेमंद वाली चीज है, जिस जिसको उठानी हो क्या नहीं। और आपका कुछ ना कुछ, और मेरे को ये था जो आपके छाती के बाल दिख रहे हैं ये मतलब मर्दानगी का, हाँ वो है, और जिसके नहीं है वो मर्द नहीं होते भाई। अब देखिए यार इस पे हम तो सवाल जवाब नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, ये टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं, टॉपिक पे आते हैं। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर अपन जा रहे हैं क्योंकि पढ़ना है अपन ने। भाई जी दिल्ली में आके
बहुत देख, ये रियलिटी है कि स्ट्रेस आएगा, कई चीज़ अकेलापन फील होगा, कुछ होगा, तो हम भी, मैंने भी एक बार एक बंदा गिरता है इन गलत चीज़ों में भी, कि कहीं ना कहीं हम ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तेरे को लगता है ये सही होती है कि नहीं? मेजॉरिटी वाइज एक्सेप्शन होंगे, जनरली मेजॉरिटी में क्या लगता है? यार मैं तो इस सब चीज़ में पढ़ा नहीं। तो फिर 25 रुपए की चाय किसे पिलाने गया था? मेरे को 8 रुपए की पिलाता है और 25 रुपए की किसे पिलाई थी? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? अरे छोड़ो यार, जोक से पार्ट वो तू सोच ही रहा है क्या? 25 × 1 = 13 × 8 जोड़ दे भाई, वो छोड़ो, चाय पिलाते हैं वो छोड़ो, वो नहीं है। आज तुम चाय पिला रहे हो, आज तुमने पिलाई है, आज तू पिला दिया, चलो वो छोड़ो। तुम हमें बताओ 25 रुपए की चाय किसे पिलाई थी? क्वेश्चन पे आते हैं, क्या आपका टॉपिक था ना? हां यार, इसमें तो उचित नहीं यार, क्यों टाइम लगता है यार, हर चीज समय लेता है। वो मेन चीज होती है जो स्टार्टिंग के 2-3 महीने यार आपका अटेंशन लगती है, और कोई भी न्यू चीज आती है तो आपको होता ही है कि आप उसे समय दो, है ना? जब कोई बॉन्ड बनता है टाइम लेता है, इट विल टेक टाइम। ये बात तो इसमें आपको सैक्रिफाइस करना होगा। तो दीपक भैया, दीपक बाबा जी का ज्ञान कि रिलेशनशिप से रहें दूर, है ना? भले ही ये खुद ढूंढ रहे हो, किसी को पसंद हो तो भाई का नंबर दे दूंगा। चल अभी क्या पड़ेगा वैसे, अभी क्या टेक्निक चल रही है तेरी पढ़ने की? एनवायरनमेंट लगा रहा है। नहीं मतलब सिंगल सब्जेक्ट चल रहा है कि कैसे कर रहा है? यार 2:3 का जा रहा है। ये तो मेरे को समझ नहीं आई, 2:3 का रेशियो कैसे बनाया तूने? 2-3 सब्जेक्ट, हाँ 2:3 तो रेशियो होगी ना? अरे नहीं मतलब कभी 2 कभी 3 2 3 ऐसे। मेरा भी यही चल रहा है अभी, पता है मेरे को जो लगता है किस तरीके से कर लेनी चाहिए, बाकी पता नहीं हो तो पेपर के बाद पता चलेगा क्या होगा, पर कि ना सपोज एक बार किसी ने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर ली, फिर वो पॉलिटी कर रहा है सपोज, तो जब पॉलिटी कर रहा है ना, उससे पीछे इकोनॉमिक्स को 4 भाग में बांट दो, जो भी आपने पूरी इकोनॉमिक्स करी है, और पहली बारी में पहले वाले भाग को पॉलिटी के साथ रिवाइज, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, चौथे वाले को, फिर पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी। सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी है। हाँ मैं अपना बता रहा हूँ, तेरा क्या भाई, 2-3 में बताइयो जरा। देख मेरा पहले क्या, मेरा बेसिक मतलब फंडामेंटल मेरा क्लियर है, पहले एक बार रिवाइज करते हैं, लेक्चर रिविजन कर लिए, फिर सर PYQ कौन सी किताब है? दिशा का, और क्या सर वाली है ना? यार तू आएगा मेरे जगह पे तो ना, तू तो अपने जगह पे बैठा था, बस यहाँ मिलते हैं। जरूरी भी है यार, है ना? बाकी ये जो घोड़ा है दीपक को, इस पे बैठा के घुमाऊंगा किस दिन जिस दिन तेरा क्लियर हुआ ना दीपक, यहाँ तेरे को बैठाएगा तेरा भाई, यहाँ चराने वाला ये होगा, सारथी होंगे भाई हम, कृष्ण जी सारथी थे उनके, भले अपन बड़ी बात होगी पर चलो कोई ना, अब चलते हैं यार और अपना पढ़ाई करते हैं। अभी तो मेरा चल रहा है आज क्या, साइंस एंड टेक के विनोय सर का हो गया कंप्लीट, दूसरे सर का उठाऊंगा, और इसके साथ एनवायरनमेंट आज ये पढ़ाएगा 5 लेक्चर्स। ओके भाई, नहीं पढ़ाया फिर, बोल दिए यार 3 हो रहा है, 5। अच्छा अपने भाइयों को अलविदा कह दो यार, थोड़ी जा रहे हैं अभी नहीं, भाई तो कह दो सब दर्शकों को बाय यार। दर्शकों को, दर्शकों बोला आपने, दर्शकों बोला उस दिन, कल भी तूने यही हरकत करी थी ना, 8 वाला, और उसमें स्लिप हो गया यार, हार्ड बोल क्या बोले थे, केट बोल दिया जो भी बोल दिए थे। अच्छा एक चैलेंज है सबको, देयर इज वन चैलेंज, पहले तो अतिथि देवो भव किस एंशिएंट स्क्रिप्चर के अंदर था, जो बता किसमें था इसने बोला था मेरे को वीडियो से पहले, तो मेरे दिमाग में आया क्वेश्चन, इसका आंसर निकाल लो कि कहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 2 एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, सबको 1 से 10 की गिनती हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती होगी, इसको 6 घंटे लगे थे सीखने में, वैसी चैलेंज है, ट्राई करना कभी वेले हो तो, कि बड़ी बेकार बात है पर मज़ेदार है, कि आपने एक वर्ड हिंदी में बोलना है, एक इंग्लिश में, जैसे कि 1, 2, 3, 4, हाँ इस तरीके से अपन ने बोलना है। अगर आप 10 तक का कर लेते हो तो मज़ा ही मज़ा है, विली चीज़ है, विली करना चाहो कर सकते हो, मत जाना यार एक दिन बर्बाद हुआ इसे कर, इसको याद कराने में। चलो बोल तेजी से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करने का मनो कर देना, क्योंकि किसी औरत का दिमाग खराब करने के लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। राम राम भाई, साहब आना है, टेक केयर, बाय बाय।